हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे फिंगर पेंटिंग और थंब पेंटिंग, पटाटो पेंटिंग, लेडी फिंगर पेंटिंग कैसे कर रहे हैं। तो पहले तैयार हो जाइए, पहले कुछ A4 साइज पेपर ले लीजिए। और मैंने यहाँ पर लिया है कलर्स कलर्स, और आप ले लीजिए पटाटो। चाकू रख लीजिए, अगर बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो मेक श्योर यू आर सिटिंग विद किड्स। एंड आप ले लीजिए स्केच पेंस, और अपने साथ सीजर रख लीजिए, फेविकॉल, और मैंने यहाँ पर अपने साथ लेडी फिंगर एंड ऑनियन भी रखा है। तो चलिए अपनी पहली पेंटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले A4 साइज पेपर को हॉरिजॉन्टल सेट शेप में सेट करें। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल से इस तरह से कुछ लाइंस खींच लें जिस पे हम अपनी पहली पेंटिंग करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है पेंट ब्रश, और ब्राउन कलर से इस पे हम स्टेम बना देंगे। जो हमने पेंसिल से लाइन खींची है वहीं पर इस तरह से आप लेंगे। अगर ये मोटी पतली हो, ज्यादा फिनिशिंग ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस पे अपने उंगलियों से कलाकारी करेंगे तो ये सब मेकअप हो जाएगा। इस तरह से मैंने रेंडमली लाइन खींची है। पेंट ब्रश को वापस से हम पानी में रख देते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से हम फूलों की तरह इसे सजाएंगे। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट लाल रंग लेंगे। मैंने उंगली में अपना देखिए थोड़ा कलर लगा लिया है, और इस तरह से सबसे ऊपर की पत्ती, और इस तरह से हम फिंगर कलर में डीप करते जाएंगे और इसको लगाते जाएंगे। मैंने अपनी सुविधा के लिए पैलेट में रंग निकाल लिया है। आप चाहें तो अपने रंग के बॉटल के डब्बे ढक्कन में भी कलर लगा ले सकते हैं, या अलग अलग प्लेट्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पोस्टर कलर लिया है जो बच्चे पेंटिंग में यूज करते हैं। ये देखिए मेरे लाल रंग की एक सुंदर सी पत्ती बहुत तैयार हो गई और काफी सुंदर लग रही है। इसके बाद मैं अपने हाथ को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप अपने हाथ को बार बार चेंज करने के लिए कपड़ा लाकर नहीं रखे हो पास में, तो प्लीज एक कपड़ा लाके रख लो जिसमें हम बार बार अपनी उंगली क्लीन कर सके। उसके बाद मैं लूंगी येलो कलर, एंड लेट्स सी। इस तरह से देखिए बहुत सुंदर शेप आ रही है, हमारी खुद की उंगली है ना, हमें इसमें बहुत सुंदर सी डिजाइन भी आएगी और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बहुत सुंदर डिजाइन आ रही है, एकदम एक समान डिजाइन आ रही है। एकदम आराम से बनाइए, बिल्कुल भी मत हड़बड़ाइए इसको बनाने के समय, एकदम आराम से बनाइए, बहुत सुंदर डिजाइन आएंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ नीला रंग ताकि डिजाइन उभर के दिखे। देखिए देखिए यहाँ पर हमारे ब्राउन कलर की जो हमने पत्तियों की शाखा पहले बनाई थी, अगर वो मोटी पतली भी है तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम फिंगर से जब उस पर डिजाइन कर रहे हैं तो वो पूरी कवर हो जाती है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी। ध्यान रखिए कि आपकी दूसरी उंगलियां ये पहले के कलर्स पे ना लग जाए, क्योंकि ये अभी गीले हैं, सूखे नहीं है, तो हो सकता है कि ये वाइप हो जाए, तो बड़े ध्यान से इसे देखिएगा। अगर आपके और भी दोस्त हैं आपके बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में, उसको भी बताइए कि आप ऑनलाइन पेंटिंग क्लास सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी है और हम बहुत ही आसानी से इसे बना रहे हैं। सो अब मैंने हल्का हरा रंग, लाइट ग्रीन कलर चूज किया है। देखिए एक तरफ मैंने कर लिया है, फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह से कर लेंगे। अगर
अगर ये एक रंग दूसरे रंग के ऊपर थोड़ा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी पत्तियों के झुरमुट ऐसे पकड़ेंगे तो वो एक के ऊपर एक ऐसे ही दिखेंगी। ठीक है, अब मैं अपना हाथ क्लीन करके ब्राउन कलर यूज करने वाली हूँ। आप अपने मनपसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैं जो यूज कर रही हूँ वही कलर करें। अब मैं ब्राउन, इस पे ब्राउन ही है तो ब्राउन नहीं कर रही हूँ, अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। लेट्स सी, ये देखिए मैंने हाथ क्लीन कर लिया है और मेरे पास एक हल्का भूरा कलर है जिसको मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर, या आप एकदम लाइट ब्राउन है। आप इसमें अपने कलर्स को रिपीट कर सकते हैं, अगर ज्यादा कलर आप यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप सेम कलर को रिपीट कर सकते हैं। आप लाल रंग में थोड़ा व्हाइट मिलाइए, आपके पास पिंक कलर भी तैयार हो जाएगा। चलो मैं पिंक कलर बनाती हूँ। लाल रंग में थोड़ा सा व्हाइट मिला के मुझे पिंक कलर तैयार करना है, तो मैंने ब्रश लिया, लाल रंग थोड़ा निकाला और उस पे अब मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा व्हाइट और ये मेरा पिंक कलर हो जाएगा तैयार। देखिए मैंने लाल में सफेद रंग मिलाया और पिंक कलर तैयार किया है, क्योंकि मेरे पास पिंक कलर नहीं था, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और अब मैं इस पिंक कलर से एक पत्ती बनाऊंगी। आप इसको लाइट पिंक, डार्क पिंक अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर लाल रंग हम ज्यादा मिलाएंगे तो वो डार्क पिंक हो जाएगी, और अगर हम सफेद ज्यादा मिलाएंगे तो एकदम लाइट पिंक आएगी। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। इसके बाद एक और हमारी यहाँ स्टेम बच गई है, जिसको मैं पर्पल कलर से करने वाली हूँ। देखिए तो ये हो गई सबसे इजी वाली पेंटिंग। आगे आगे मैं आपको पीकॉक पेंटिंग और बाकी भी पेंटिंग सिखाऊंगी, तो ये पहली पेंटिंग तैयार हो गई है। आप इसको थैंक यू कार्ड, टीचर्स डे कार्ड, कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं इस तरफ लगा देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पेंटिंग। तो दूसरी पेंटिंग के लिए मैंने यहाँ दूसरा पेपर लिया है, इसको इसमें मैं ड्रॉइंग करूंगी। ड्रॉइंग करने के लिए मैं डायरेक्टली स्केच पेन ले रही हूँ। आप पहले पेंसिल से फिर स्केच पेन से उसके ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ एक पॉट बनाना है। इस तरह से मैंने पॉट बना लिया, उसके अंदर मैं उंगलियों से अपना काम करूंगी। और इसकी स्टेम के लिए हम ब्राउन कलर का स्केच ले सकते हैं। अगर ब्राउन कलर की आप पेंटिंग पेंट ब्रश यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप स्केच पेन से भी स्टेम बना सकते हैं। उसके बाद हम फिंगर डीप करके उस पे पेंटिंग करेंगे, तो इस तरह से हमारा फ्लावर ब्रश का डिजाइन ये आएगा बहुत सुंदर। तो आइए देखते हैं फ्लावर ब्रश का डिजाइन हम कैसे करें। फिर से मैंने अपना कलर पैलेट ले लिया है, अपनी उंगलियों से पैलेट के अंदर डिजाइन कर देंगे। पहले यहाँ देखो जो मैंने सेव किया है वहां पर पहले उंगलियों से डिफरेंट डिफरेंट कलर कर देंगे। पहले में मैंने रेड किया, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ,
ठीक है, बार बार उंगलियों को धोना ना भूले और कपड़े से वाइप करते जाए, क्योंकि एक रंग में दूसरे रंग लग ना जाए। यहाँ पर मैं पीला रंग कर रही हूँ, तो देखिए पॉट का डिजाइन भी काफी अच्छा आएगा। और सबसे नीचे चलिए हरा रंग करते हैं, पीले के बीच में भी एक एक हरा रंग करते हैं, देखिए बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप उंगलियों में करने के लिए आपको दिक्कत आ रही है तो आप ईयरबड से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने दोनों कलर का मिक्सचर कर लिया है, हरे के बीच में हम कर लेते हैं चलो ब्राउन, वो अच्छा लगेगा। अब स्टेम तो हमारा हो ही गया है, अब वहां पर हम फूल बनाने वाले हैं। तो एक काम करेंगे, पहले एक ईयरबड लेंगे, उसमें येलो कलर लगाएंगे और हर स्टेम के स्टार्टिंग भाग में इस तरह से एक गोलाई बना दी। ये हमारे आने वाले फूल के बीच का हिस्सा होगा। तो मैंने यहाँ ईयरबड का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं बड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सेम जैसे हम उंगलियों को कलर्स में डीप कर रहे थे, यहाँ पर हमें ईयरबड्स को कलर पे डीप करना है। तो एक ईयरबड मैंने ले लिया येलो कलर के लिए, तो यहाँ पे मैंने येलो कलर लगा दिया है सब स्टेम के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल कैसे बनाती हूँ, देखिए बहुत सुंदर आएगा। पहले मैंने लाल रंग ले लिया है, इसके देखिए जिस तरह हम फिंगर से बना रहे थे उसी तरह अब मैंने ईयरबड से उसमें फूल की तरह बना दिया। अगर आप चाहें तो आप उंगलियों से भी बना सकते हो। तो ये मेरा एक ईयरबड, अब मैं सेकेंड ईयरबड लूंगी जिसमें मैं दूसरा रंग यूज कर सकूं। तो चलो मैं ऑरेंज कलर का एक फूल बनाती हूँ। तो आप चाहें तो आप उंगली से भी बना सकते हो, अगर आपका पेपर बड़ा है, आप चाहते हो कि आप उंगली से ही करो तो आप उंगली से भी कर सकते हो, सेम डिजाइन आप उंगलियों से कर सकते हो। अब मैं हल्का पीला रंग का एक फूल बना लेती हूँ। ईयरबड से आप फूल अपने पसंद से छोटे बड़े बना सकते हो। ध्यान रखिए कि ये आपकी जो डेडी फिंगर है इसे आप मोड़ के रखें, ताकि ये अपने पहले की पेंटिंग्स को टच ना करें, क्योंकि सारी पेंटिंग्स गिरी हैं। अब एक दूसरा रंग लेते हैं, उसके लिए अभी हमें दूसरा ईयरबड लेना होगा। तो इसका ऐसा नहीं है कि नीला रंग का फूल नहीं होता तो हम नीला रंग नहीं करेंगे, ये हमारी पेंटिंग है तो हम पेंटिंग पे कोई भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सफेद कागज है इसलिए डार्क रंग उभर के आता है, तो गाढ़े रंगों का प्रयोग हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पहले मैंने नीला फूल बना लिया, अब हम यहाँ पर एक पर्पल फूल भी बना सकते हैं। देखिए अब कुछ और रंग का फूल बनाते हैं, चलिए पिंक ले लेते हैं। इस तरह से देखिए ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आ रहे होंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने कितने कम समय में कितनी सुंदर पेंटिंग बना ली, और इस पेंटिंग को बच्चे टीचर्स डे पे, चिल्ड्रंस डे पे अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, थैंक्स गिविंग डे पे टीचर्स को अपने पेरेंट्स को देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक येलो फूल बना लेते हैं, यहाँ पर एक मेरा स्टैम्प बच गया है। ये देखिए ये हो गया फ्लावर्स रेडी। अब हम क्या करेंगे, हरे रंग से इसकी इसमें पत्तियां भी बना सकते हैं। हम इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके बाद हम चाहें तो इस पे हरे छोटी छोटी पत्तियां बना सकते हैं। उसके लिए सेम ईयरबड से आप इस तरह से
एकदम छोटी छोटी सी इस तरह से दोनों साइड से ऐसे कर सकते, एकदम बिल्कुल मत हड़बड़ाइए, आराम से कीजिए, बहुत सुंदर डिजाइन आएगी। देखिए बहुत सुंदर डिजाइन आ रही है। अगर आपके कलर थोड़े सूखते जा रहे हैं क्योंकि इतने देर से खुले हैं, तो थोड़ा पानी डाल दीजिए उस पर, एक ड्रॉप। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि मेरे कलर पहले में है और सूखते जा रहे हैं। तो इन पत्तियों के बाद हमारी सेकेंड डिजाइन भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए कि आप भी मेरे साथ बना रहे हैं। अगर कोई मोमेंट्स आपसे मिस हो गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स को आप अपने सुविधा के हिसाब से पकड़िए, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा हो। अगर बहुत छोटी पत्ती बनानी है तो बस इसको आप टच भी कर सकते हो, देखो इस तरह से। तो ऐसे हम अगर टच करेंगे तो बहुत छोटी छोटी पत्ती आएगी, और हम थोड़ा सा उसको ड्रैग करेंगे तो थोड़ी लंबी पत्ती आएगी। तो ये हमारी मर्जी है कि हमें कैसी पत्ती चाहिए। आपको जैसी पत्ती चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड डिजाइन तैयार हो गई और काफी सुंदर लग रही है। तो चलिए इसको भी हम अपसाइड कर देते हैं और नई डिजाइन के लिए हम इसे नया पेपर लगाएंगे। तो चलते हैं तीसरी डिजाइन की ओर। यहाँ पर हम पेड़ बनाएंगे। डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पर सभी चीज कर दिया है। तो तीसरी डिजाइन में हम देखिए तो यहाँ पर पहले मैं स्केच पेन से डायरेक्टली ड्राइंग बना रही हूँ। आप पहले पेंसिल से बना के फिर उस पर स्केच पेन से कर सकते हैं। तो जब पेंसिल से हम ड्रॉ कर लेते हैं तो काफी सुंदर आ जाता है अपना चित्र। इस तरह से पहले पेड़ बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप पेंट ब्रश से भी बना सकते हैं। इसको हम ब्राउन कलर से पहले स्टेम में अपने फिंगर से भी हम कलर भर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ब्रश पे भी भर सकते हैं। पहले पेड़ को हम ब्राउन कलर कर लेंगे। देखिए अगर बहुत किनारे वाला हिस्सा अगर आपको उंगलियों से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप बर्ड से भी कर सकते हैं।
पहले पेड़ को पूरा कलर का बना देंगे। इस तरह से हमारा पेड़ हो जाएगा तैयार। ये देखिए आई होप बच्चों बच्चे इसको बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ही सरल है और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा जब उनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग हो और वो बहुत सुंदर, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने स्टेम वाला हिस्सा कर लिया है, ब्रांच वाला हिस्सा कर लिया है, अब मैं स्टेम की ओर बढ़ रही हूँ। तो इसको मैं अपनी उंगलियों से ही इसको कंप्लीट करूंगी ताकि वो स्मूथ फिनिशिंग ना हो करके रफ फिनिशिंग हो, ताकि वो रियल पेड़ की तरह लगे, कहीं गाढ़ा कहीं पतला। तो ये मेरा पेड़ हो गया कंप्लीट। अगर आप चाहें तो अपने बर्ड्स से ग्रीन कलर लेके साइड साइड में कुछ ग्रास भी बना सकते हो। या पूरे पेपर को ही हम ग्रास से कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम ये पेड़ बना रहे हैं तो गाढ़ा हरा रंग और हल्का हरा रंग हमें चाहिए होगा कि हम उसकी पत्तियां बना सकें। कुछ नहीं, बस अपने फिंगर्स को कलर्स में डीप करते जाएं और इसको पत्तियों का शेप हम देते जाएंगे, उंगली हम कलर में लगाएंगे और इस तरह से हम स्टैम्प करते जाएंगे। तो जब ये कंप्लीट होगा तो एक पेड़ का लुक आ जाएगा। कभी मैं गाढ़ा हरा रंग ले रही हूँ और कभी हल्का हरा रंग, और इस तरह से हम इसको भर देंगे। आप बर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हो लेकिन उंगलियों में ये जल्दी भर जाएगा और हमारा हरा भरा पेड़ तैयार हो जाएगा। तो है ना आसान तरीका मिनटों में इतना बड़ा पेड़ बनाने के। ये देखिए तो ये मैंने गाढ़ा हरा रंग कर दिया है। आप पेड़ को जितना चाहे घना बना सकते हो, और अगर हम पेड़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना हरी पत्तियों के तो सूखा पेड़ वो भी हम दिखा सकते हैं कि ये गर्मी के मौसम का पेड़ है। ध्यान रहे जब हम सूखा पेड़ बना रहे हैं तो नीचे की हरी पत्तियां भी न करें। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर गाढ़ा हरा रंग कर दिया है। अब मैं लाइट ग्रीन कलर हल्का हरा रंग की बीच बीच में करना चाहूंगी ताकि वो धूप छांव की तरह सेटिंग लगे। देखिए बीच बीच में आप चाहें तो कुछ येलो पत्तियां भी कर सकते हैं, ग्रीन या पीले रंग की,
कि पेड़ पे कुछ येलो पत्तियां भी हैं, कुछ सूखी हुई भी हैं। देखिए ये पेड़ तो तैयार हो गया और बिल्कुल पेड़ की तरह लग भी रहा है, तो आप चाहें तो इतने पे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको और घना कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलो थोड़ा पीला रंग भी एक दो लगा के देखते हैं कि एक एक कैसा दिखता है। बीच बीच में कहीं भी आप थोड़ा पीला रंग करें तो ऐसा लगेगा कि कुछ पत्तियां सूख गई हैं या धूप पड़ रही है, सो यू कैन डू दैट। तो ये पेड़, या अगर आप इस पे फल लगाना चाहते हो तो ये येलो आम की तरह दिखेगा, और अगर मैं लाल लगाती हूँ तो एप्पल की तरह दिखेगा, क्योंकि मैं येलो लगा रही हूँ। तो देखो ये तो या तो ये कुछ आम का पेड़ अगर गोल गोल हो रहा है, दूर से दिख रहा है तो आम का पेड़, अगर पास से देख रहा है तो ये नींबू का पेड़ हो गया। ये देखिए आप इसमें लाल रंग के फल भी लगा सकते हैं, आपकी मतलब पसंद रंग का इसमें आप फल लगा सकते हैं। ये देखिए अगर मैंने येलो ज्यादा लगा दिया तो ये लग रहा है कि कोई फल गया हुआ है पेड़ पे, और ये पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पेंटिंग नंबर 4 पर। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी भिंडी, हम भिंडी से एक फ्लावर वेस बनाएंगे नेक्स्ट पेंटिंग पे। तो आप अगर आपने भिंडी अभी तक लाके नहीं रखी है तो भिंडी ले आइए, नेक्स्ट हम भिंडी से पेंटिंग करेंगे। यहाँ पर भी मैं पहले स्केच पेन से थोड़ी ड्राइंग कर लूँ, एक इसको इस तरह से लगाती हूँ। पेपर को वर्टिकल ले लेते हैं क्योंकि डिजाइन थोड़ी और सुंदर आएगी। एक पहले फ्लावर वेस बना लेते हैं इस तरह से। अभी चलो इस तरह इस शेप का बनाना है, ठीक है। और इससे भी कुछ भी स्टैम्प बना सकते हैं आप, ब्राउन कलर से भी स्टैम्प बना सकते हैं, कोई भी कलर से स्टैम्प बना सकते हैं। मैंने यहाँ नीला रंग लिया है। अब भिंडी ले लेते हैं। ये भिंडी को मैंने आपसे चाकू भी रखवाया है पास में, अगर आप छोटे हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स से बुला के इसको कट करवाइए, खुद ट्राई ना कीजिए। अगर आप अपने छोटे बच्चों को दे रही हैं तो मेक श्योर कि यू आर कटिंग फॉर। तो मैं भिंडी को काट रही हूँ, तो देखिए इस तरह का शेप निकला। तो या ये इस शेप की हमें फूल बन जाएंगी। तो ये मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है भिंडी का, और इससे थोड़ा बड़ा। अगर हम भिंडी को एक और बड़ी बड़ी भिंडी ले लेते हैं तो जिसको हम थोड़ा बीच से काटेंगे, बीच से काटेंगे तो क्या होगा, ये बड़े बड़े स्टैम्प मिलेंगे हमें। तो चलो मेरी भिंडी रेडी है, अब हम क्या करेंगे, पहले एक मीडियम साइज का स्टैम्प लेंगे और हम इसके बीच में हम डिजाइन करते जाएंगे फ्लावर पॉट के बीच में। चलो मैं नीला रंग लेती हूँ, नीला रंग का फ्लावर पॉट देखते हैं कैसा दिखेगा, लेट्स सी। देखिए ऐसे स्टैम्प करते जाएंगे तो इस पे डिजाइन्स बनेंगी। देखो भिंडी के शेप में जब डिजाइन बन रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लावर लगा हुआ है इसके अंदर, फ्लावर की डिजाइन। आप कोई भी कलर ले सकते हो। अब ये भिंडी हमारा स्टाम्प की तरह बन गया, और भिंडी में जैसे ऑलरेडी उस पे अंदर डिजाइन्स बनी हुई होती है तो उस डिजाइन्स के हमें यहाँ पर डायरेक्टली फूल मिल गए। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है और एकदम फटाफट बनने वाली पेंटिंग है। तो अपने मन पसंद मैंने ब्लू कलर यहाँ पर ले लिया है। अब मैं एक दूसरी भिंडी उठाऊंगी, एक छोटी सी भिंडी उठा रही हूँ मैं, और इस पे कलरफुल फ्लावर्स बनाते जाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले आई विल टेक लाइट ग्रीन एंड आई स्टैम्प इट हियर। देखो मैंने भिंडी
सॉफ्टली और उसको इस तरह से हम स्टैम्प करते जाएंगे, जैसे कि हमने ये वाली पेंटिंग की थी, हमने फिंगर से की थी, अब हम फूल से करेंगे। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई फूल ही दे रहा है अलग कलर के। ठीक है, अब हम एक और भिंडी लूंगी जिसपे मैं दूसरे कलर को लगा सकूं, तो उसका भी मैंने इस तरह से छोटा हिस्सा लिया है। अब मैं इस पे पिंक कलर लगाऊंगी और अब मैं पिंक कलर की स्टैम्पिंग करूंगी। देखो कितना सुंदर कलर आया है, ऐसे लग रहा है ये बस फूल का गुलदस्ता है। ये देखो दिख रहा है ना, बहुत सुंदर। चलो अब लाल रंग लगा लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कलर ज्यादा ले लिया है तो एक वेस्ट पेपर पे पहले दो तीन स्टैम्प कर लें ताकि वो कलर लाइट हो जाए, उसके बाद आप अपनी फाइनल पेंटिंग पे लगा सकते हैं। और एक बार भिंडी पे कलर ले लिया तो वो तीन चार पांच स्टैम्प तक भी चले जाता है। देखिए मैंने भी एक बार लिया और तीन बार, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा स्टैम्प किया, कलर अभी भी लाइट नहीं हुआ है। सो नाउ अभी मैं छह या सात बार स्टैम्प करके फिर भिंडी को कलर पे डीप कर रही हूँ। तो जब डीप करके हम निकालता तो देखो इस यहाँ पर कैसे डार्क आ गया, तो ऐसे डार्क आ जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे डार्क लाइट नहीं चाहिए, एक समान चाहिए, तो आप भिंडी को एक दो बार कहीं वेस्ट पेपर पे स्टैम्प करके फिर इस पे कर सकते हो। अभी चलिए यहाँ पे लेते हैं हम ब्लू कलर। ब्लू कलर पे भी बहुत सुंदर फ्लावर्स की तरह दिखेगा वो। देखिए enjoying doing painting with lady finger, right? It is so amazing. बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। एकदम फटाफट देखो मैंने एक ड्रॉइंग बनाई और ये स्टैम्प से कितना जल्दी फटाफट फटाफट हमारी पेंटिंग तैयार हो जा रही है ना बच्चों? मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक करना मत भूलना। और पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आई होप एवरीबॉडी आर एंजॉयिंग हियर। अब मैं ऑरेंज कलर लेने वाली हूँ, ये मेरा ऑरेंज कलर यहाँ पर है, मैंने वाइप किया भिंडी को। अगर कलर ज्यादा लग रहा है तो कहीं पहले वेस्ट पेपर पे स्टार्ट करो, उसके बाद फाइनल पेंटिंग पे स्टार्ट करेंगे, तो हम वैसा कर सकते हैं। ये देखिए भिंडी से भी हमने कितनी सुंदर डिजाइन बना ली। वीडियो से बने रहिए क्योंकि आगे हम बहुत सुंदर पीकॉक सीखने वाले हैं जो कि बनाने के लिए बहुत मजा आएगा हमें। तो ये हमारी फोर्थ नंबर पेंटिंग भी तैयार हो गई है, अब हम आगे चलेंगे अपनी फिफ्थ नंबर पेंटिंग के लिए और वो हम पटाटो से बनाएंगे। बड़ा मजा आएगा जब हम पटाटो से पेंटिंग बनाएंगे। क्या आप कभी सोचे थे कि पटाटो से भी पेंटिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है। देखो मैंने अलग अलग साइज के पटाटो लेके रखे हैं। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे एक छोटा साइज का गोल आकार चाहिए और एक बड़ा साइज का चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, बड़ा साइज के लिए लूंगी इस पटाटो को ऐसे हॉरिजॉन्टल काट देती हूँ तो एकदम बड़ा सा बन जाएगा। ये देखो ये मैंने वर्टिकल काट, हॉरिजॉन्टल काट, तो इस शेप का मैंने पटाटो ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, एक छोटा पटाटो का इस तरह से ऊपर से इस तरह से गोल काटूंगी।
ये मैंने छोटा ऐसा ले लिया। देखिए अब हम इस पे से पेंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक व्हाइट पेपर यहाँ लगा लेते हैं फिर से, जिसमें मैं आपको पेंटिंग सिखाने वाली हूँ। तो मैंने इसको सेलो टेप की सहायता से यहाँ पर एक व्हाइट पेपर चिपका लेना है। इसमें हमें स्केच पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पटाटो से पेंटिंग करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले ये बड़ा पटाटो एक ले लेंगे। बड़े पटाटो पे हम येलो कलर लगा देंगे। मेरा पेंट ब्रश यहाँ पर है, आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पेंट ब्रश से भी ले सकते हैं। मैं येलो कलर ले लिया मैंने, और अपने पटाटो पे इस तरह से मैं ले रही हूँ। आपको पता है इसमें से कौन सी डिजाइन बनेगी? नहीं बताऊंगी आपको, उसके लिए वीडियो देखना है। बनने के बाद देखना ये कितना सुंदर बनेगा, और आप सोच भी नहीं सकते कि अरे मैम ने इतनी सुंदर डिजाइन इतनी इजी तरीके से सिखा दी। चलिए, तो ये मेरा येलो हो गया पटाचो, और मैंने इसको स्टैम्प कर दिया इधर। ये नीटली नहीं आया है, तो फिर से इसको ठीक से प्रेस करके आई डू दिस। ब्रश से थोड़ा सेट कर लेती हूँ क्योंकि पूरा सेट सेप नहीं आया। सुनो नी, अगर आपने पटाटो को ठीक से कट किया है तो ये सेप एकदम गोल आएगा, या थोड़ा देर दबा के पकड़िए। फिर से मैं इस पे फिर से येलो कलर लगा रही हूँ। कलर को हम थोड़ा ठीक से लगा लेंगे, और ये बहुत आसान है, एकदम छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेम पटाटो को अब मैं यहाँ पेपर के इस तरफ भी ऐसे ही स्टैम्प कर दूंगी। ये हो गया मेरा पटाटो, अब मैं इसको फिंगर से थोड़ा गोल कर लेती हूँ। तो ये बन गया पटाटो का गोल। अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे वो जो हमने छोटा सा पटाटो काटा था ना, ये वाला, इस पे भी हम येलो रंग कर लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे मैंने येलो रंग लगा लिया। ठीक है, अब हम इसे यहां स्टैम्प कर देंगे ऐसे, और यहां भी स्टैम्प कर देंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से ये मैंने ऐसे स्टैम्प कर दिया, और यहां भी स्टैम्प किया था। अब मैं इसी में थोड़ा येलो कलर और लगाऊंगी। गैस कर पा रहे हैं कि हम क्या बनाए हैं? थोड़ी देर रुकिए, जब ये डिजाइन पूरी हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, इसको यहां एकदम कोने में यहां स्टैम्प करेंगे, छोटा वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो बड़ा पटाटो हमने काटा था उसका दूसरा हिस्सा जो व्हाइट है, ठीक है, उसको लेंगे और उसपे लाइट ब्लू कलर लगाएंगे। ठीक है, कौन सा कलर लगाएंगे? लाइट ब्लू। उतनी देर में जो हमने पहले स्टैम्पिंग की है वो सूखता जाएगा। तो यहाँ पर मैं लाइट ब्लू कलर लगा रही हूँ। और ये मेरा लाइट ब्लू कलर हो गया पूरा। तो जो पटाटो हमने यहाँ स्टैम्प किया था उसके अपोजिट हिस्से में यहाँ एक मैंने स्टैम्प कर लिया। ओ, इसको थोड़ी देर प्रेस करना है इस तरह
तरह से जो गैप है आप फिंगर से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और एक बार करेंगे, वही सेम पोटैटो पे मैं ब्लू कलर लगा रही हूं, एंड आई विल स्टैम्प वन मोर ब्लू कलर हियर। ये देखिए यहां पे तो यहाँ भी थोड़ा गैप आ गया, तो उसको हम फिंगर से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ब्लैक कलर की स्केच पेन लूंगी, या तो आप रेड पेंट ले सकते हो या रेड कलर की स्केच पेन ले सकते हो। चलो रेड कलर की स्केच पेन ले लेते हैं, और यहाँ एक छोटी सी बीक चोंच की तरह बना दो। अब समझ में आ रहा है क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। और पेंट ब्रश, क्योंकि ये गीला है, अगर सूख जाए तो आप स्केच पेन से भी आंख बना सकते हो, क्योंकि ये गीला है तो मैं पेंट ब्रश एकदम छोटा सा पेंट ब्रश लेकर के उसमें से ब्लैक कलर लेकर के चूजे की आंख बनाने वाली हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे बना रहे थे। ये देखो मैंने यहाँ छोटी सी आंख बना दी, बहुत क्यूट पेंटिंग आई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूट सा चूजा तैयार, और ये है हमारे क्लाउड्स और स्काई, और उधर हमने बनाया है येलो कलर का सन, ठीक है। चलो येलो कलर का सन को अगर आपको और थोड़ी फिनिशिंग देनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, येलो कलर का जो हमारा सन था उसमें हम थोड़ी सी सन रेज बना सकते हैं। इसको आप पेंट ब्रश से भी बना सकते हो, इसको आप बर्ड्स से भी बना सकते हो, कलर लेके इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। सो लेट मी मेक इट कंप्लीट, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और कर भी सकते हैं इस पे और फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा थोड़ा लाइट ऑरेंज भी ऐसे दे सकते हैं। अगर आप इस पे सनरेज नहीं बना रहे तो भी चलेगा, अगर बना रहे हैं तो आप इसको और भी डिजाइन कर सकते हैं। एक यहाँ पर ऑरेंज कलर की इस तरह से शेडिंग भी दे सकते हैं, तो और अट्रैक्टिव लगेगा सन, ठीक है। और यहाँ पर आप हम अब क्या करेंगे, हरी रंग की ग्रास भी बना सकते हैं, तो फिर से मैंने पेंट ब्रश उठा लिया है, और यहाँ पर जो चूजे हैं हमारे उसके नीचे रैंडमली यहाँ पर हम पहले ग्रास बना देंगे, उसके बाद हमने चूजों के पैर नहीं बनाए हैं अभी तक, तो जब तक हम ग्रास बनाएंगे तो चूजे थोड़े ड्राई हो जाएंगे और हम वहां पर पैर बना सकते हैं। आप चाहें तो स्केच पेन से भी बना सकते हैं, और अगर आप ब्रश में कंफर्टेबल है तो आप ब्रश से भी बना सकते हैं। तो ग्रीन कलर से बस ब्रश से इस तरह से मैंने लाइंस ले ली है, सो इट्स लुकिंग लाइक ग्रास। इसपे हम वही डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन बीच बीच में सेटिंग करके हम कर सकते हैं। देखो पहले मैंने लाइट ग्रीन की, उसके बीच बीच में डार्क ग्रीन की एक एक लाइन जब हम पेंट ब्रश से करते हैं तो ये पूरा रियल ग्रास का लुक आ गया।
अब हम पेंट ब्रश से ब्राउन कलर लेंगे और चूजो का पैर बना देंगे। कुछ नहीं, बस इस तरह से चिड़िया का पैर एक छोटी सीधी लाइन, फिर तीन तीन ऐसे टेढ़ी लाइन बना दी। तो ये हो गया चूजो का पैर तैयार। और ये हमारा खत्म हुआ फिफ्थ नंबर पेंटिंग। बहुत ही नीटली, बहुत ही क्यूट तरीके से हमने यहाँ पर चूजा बना लिया। चलो अब हम इसको भी ऊपर लगा देते हैं और बढ़ते हैं हमारी अगली पेंटिंग पर। तो हमारी अगली पेंटिंग जो है हम ऑनियन से बनाएंगे। तो अगर आप ऑनियन लेके तैयार नहीं है तो ऑनियन ले आएंगे। पेपर को वर्टिकल आप सेट करेंगे और मेरे पास है अलग अलग साइज के ऑनियन। तो ये ऑनियन को मैं बीच से दो हिस्से करूंगी ऐसे वर्टिकल पकड़ के। बीच से ये मैंने दो बराबर हिस्से कर लिए, एक पे मैं लाल रंग करूंगी और एक पे हरा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पेंट ब्रश ये मैंने उठाया। पहले हम लाल रंग करेंगे, तो ऑनियन का एक हिस्सा लेंगे, उस पे हम लाल रंग लगाएंगे इस तरह से, देखो। और इसको इस तरह से पकड़ेंगे जिसमें ये नुकीला हिस्सा ऊपर हो ऑनियन का। ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया ऑनियन, नुकीला हिस्सा ऊपर। आई होप आप देख पा रहे हो ठीक से। और फिर उसको इस तरह से पेपर के बीच ऐसे स्टैम्प करते जाएंगे। फिर से लाल रंग लगा रही हूं। तो ये देखो फूलों का शेप आता जा रहा है इस पे। ये हमारा बनेगा फूलों का गुलदस्ता। मेरी फर्स्ट स्टैम्पिंग पूरी सही नहीं हुई थी, सो आई एम स्टैम्पिंग अगेन ओवर इट। ये देखिए, उसको ठीक से दबाएं। इस पे हम उंगलियों से सेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डिजाइंस पे ऑनियन की स्ट्रिप्स की डिजाइंस चाहिए। इसे आप रैंडमली लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैम जिस शेप पे आपको स्टैम्प करके दिखा रही है आप उसी शेप पे करें। आपको जिस शेप में फ्लावर्स के गुच्छे चाहिए आप उस शेप पे कर सकती है। प्याज को थोड़ा ऐसे खोल करके करें तो और भी सुंदर होगा। ये मेरी प्याज बिगड़ गई है क्योंकि मैंने उसे जोर से प्रेस कर दिया। तो लेट्स सी, आई हैव टू कट अनदर ऑनियन। ओके, लेट मी ट्राई विद द सेम। ओके, मैंने उसी को फिर से सेट कर दिया। मुझे दूसरा ऑनियन कट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑनियन बिगड़ गया है। मैंने दूसरा ऑनियन कट कर दिया है और फिर से मैं इसके लाल रंग लगा रही हूँ ताकि मुझे और फूल बनाने में मदद मिल सके। इसलिए मैंने एक से ज्यादा ऑनियन अपने पास रखने के लिए कहा था क्योंकि बनाते बनाते ये बिगड़ भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से स्टार्ट कर दीजिए।
तो ये हमारे फूलों के सेब आ जाएंगे। इसमें फिर से मैं लाल रंग लगा रही हूं ताकि मैं और फ्लावर बना सकूं। तो जो फ्लावर हमारे पूरे सही नहीं हुए हैं तो आप चाहें तो पेंट ब्रश की सहायता से थोड़ी उसे फिनिशिंग दे सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से थोड़ी बिगड़ गई है। ठीक है, तो ये हमारे फूल तैयार हो गए। अब हम ऑनियन का दूसरा हिस्सा लेंगे जिसपे हम हरा रंग लगाएंगे। ये मैंने हरा रंग लगा दिया, इसके लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर चूज किया है। और फ्लावर के नीचे इस तरह से हम ये स्टैम्प करते जाएंगे कि ऐसा लगे कि ये गुच्छा है जिसमें हरे रंग की नीचे पत्तियां हैं और ऊपर लाल फूल है। ध्यान रहे जब हम ऑनियन काटेंगे तो एकदम सीधा कट होना चाहिए। देखो ये इस तरह से एक के ऊपर एक पास पास पे लेंगे क्योंकि ये ऐसा सुंदर दिखेगा बंच की तरह। ये देखो ये हो गई गुलाब की, गुलाब के बंच पूरे। अब इस पे हम फिनिशिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आप ब्राउन कलर की स्केच पेन लीजिए और इस तरह से आप डाली बना सकते हो ताकि ये गुलाब का पूरा बंच लगे और आप ये पत्तियों के बीच बीच में थोड़ी सी ऐसे लाइन भी बना सकते हो अगर आपको ठीक लग रहा है तो, नहीं तो भी ये बहुत अच्छी डिजाइन से बना हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ी स्टिक बना देंगे तो ऐसा लगेगा कि गुलाब का बंच है। तो ये हमारी पेंटिंग हो गई पूरी। आप अपने हिसाब से इसके शेप्स चेंज कर सकते हो, आप ज्यादा गुलाब बना सकते हो, इसमें और भी गुलाब लगा सकते हो तो ये और भी हैवी गुलाब का बंच लगेगा। आप इसके बीच बीच में और भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इस पेंटिंग पर छोड़ रही हूँ। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेंटिंग। मैं इस पेंटिंग को भी थोड़ी खसरा देती हूँ, हालांकि ये सूख चुकी है लेकिन आप इसे देख सकेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। नेक्स्ट पेंटिंग में हम सीखेंगे पटाटो से कैसे फ्लावर बंच बनाए। तो इसके लिए आप फिर से पटाटो ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पटाटो ले लेंगे, पटाटो का छोटा हिस्सा। एक और बात, अगर आपके पास छोटा पटाटो नहीं है तो हम क्या करेंगे, पटाटो हमने लिया और उसको हम गोल एक निशान बनाएंगे और हम उसको गोल छोटे शेप में कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पेंसिल से अपने पटाटो के ऊपर एक छोटा सा गोल बना रही हूँ, या तो आप किसी पेन के कैप से या कोई अपने पास फेविकॉल की बॉटल है उसके ढक्कन से पूरा एग्जैक्टली गोल शेप आ जाएगा। तो मैं उससे एक गोल निशान बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से गोल कर दिया पटाटो को, और उसके बाकी साइड के हिस्से को हम काट लेंगे। तो मेरे पास काटने के लिए
ब्लेड है, आप चक्कू से भी काट सकते हो बहुत आसानी से। देखिए तो जो गोल हिस्सा था उसको छोड़ के हम साइड वाला हिस्सा ब्लेड से कट कर देंगे। तो क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा पटाटो नहीं है तो हम बड़े पटाटो को भी छोटे स्टैम्प की तरह इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा गोल स्टैम्प तैयार कर लिया है। अब इसपे से हम फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम येलो कलर ले लेते हैं। तो मैंने पटाटो का जो हिस्सा गोल किया था उस पे येलो कलर ले लिया है और यहाँ पे कुछ फ्लावर बनाने के लिए ऐसे गोल गोल मैं स्टैम्प कर रही हूँ। मुझे जितने फ्लावर चाहिए मैं उतने येलो स्टैम्प बनाऊंगी। बहुत ही आसान है ये। ये देखिए मैंने कुछ 5-6 स्टैम्प कर लिए हैं। अब अगर मुझे और गोल पटाटो ही चाहिए, मैं इसी को वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैंने और पटाटो काट के नहीं रखे हैं। अगर आप और पटाटो काट रहे हो तो आप काट सकते हो। एंड यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन कट एंड देन कैन प्ले। सो मैंने अब सेम पटाटो को वॉश करके रेड कलर लगा लिया है। तो देखो ये मेरा पटाटो था, अब इसके चारों ओर फूल के शेप में मैं इसे स्टैम्प करती जाऊंगी। तो आई होप कि एक येलो पटाटो के चारों ओर 5 रेड स्टैम्प किया जा सकता है। उसके बाद लेट मी टेक ऑरेंज कलर। अगर आपको लग रहा है कि स्टैम्प गाढ़ा और पतला हो रहा है, आपको एक समान चाहिए, तो पहले रफ पेपर में स्टैम्प कर लो, फिर हम इस पे कर सकते हैं। देखो इस पे 6 पत्तियां भी बनाई जा सकती है इस तरह से, अगर हमने क्रिस क्रॉस करके किया है तो ठीक है। लेट्स मूव टू डिफरेंट कलर। तो ब्रश को मैंने वॉश कर दिया है और मैं इसमें थोड़ा और दूसरा रंग लगा रही हूँ। फिर इस कलर के हम फूल बनाएंगे। तो ये देखिए ये डिफरेंट कलर आ गया, ठीक है। तो बीच में येलो है और साइड पे हम दूसरे दूसरे कलर कर रहे हैं। पटाटो को फिर वॉश कर रही हूँ ताकि मैं उसमें नया रंग यूज कर सकूं। इसके बाद हम पीकॉक बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट इज पीकॉक, जिसके लिए हमें पटाटो की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने ये नया एक रंग यूज कर लिया है, इस कलर का फ्लावर बना लिया। अब एक और नया रंग ले लेते हैं। पटाटो को मैं वॉश करते जा रही हूँ ताकि वो क्लीन हो जाए। और फिर एक और नया रंग ले लेती हूँ मैं इस पे। इस कलर का हम एक फ्लावर इसमें स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया। Then, one new color. ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम लाइंस खींच लेंगे और फूलों की पत्ती मैंने ले ली है, पेड़ पौधे की, गुलाब के पौधे की ये पत्ती ले ली है। देखो मैं इसमें से बताती हूँ पत्ती हम कैसे बना सकते हैं। आप इस तरह से भी ले सकते हो पत्ती, मैंने ये पत्ती भी ली है तो आप इससे भी बना सकते हो, फिंगर से भी बना सकते हो, बर्ड से भी बना सकते हो। सो लेट मी ओपन माय ग्रीन कलर, क्योंकि मेरा ग्रीन कलर पैलेट में खत्म हो गया है। सो लेट मी टेक इट आउट। तो अब हम पत्ती बनाने के समय क्या करेंगे, पहले तो स्टैम्प बना सकते हो, आप चाहे तो स्केच पेन से भी बना सकते हो।
आप चाहें तो पेंट ब्रश से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है आप किससे बना रहे हो, बड़ा आराम से बनाइएगा। उसके बाद ये पत्ती को हम एक काम करते हैं, एक पत्ती देते हैं क्योंकि हमारी पेंटिंग बहुत बड़ी नहीं है। एक गुलाब की बड़ी सी पत्ती ली मैंने और उस पे मैं हरा रंग लगा दूंगी हल्के से और फिर उसको स्टैम्प करते जाऊंगी जहां हमें पत्तियां चाहिए। तो ये हमारा पत्ती की शेप का स्टैम्प हो जाएगा। तो इस पे मैंने ठीक से रंग लगा लिया है। लेट्स स्टैम्प नाउ। देखो अब मैंने पत्ती को ऐसे रखा, इस तरह से स्टैम्प किया। जब हम इसको हटाएंगे तो हमें पत्ती की शेप की पेंटिंग मिल जाएगी। क्योंकि हमने बहुत लाइट लगाया था तो ध्यान देंगे लाइटली इसमें हम ब्रश अपना पेंट लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम एक बहुत सुंदर फूलों का गुच्छा बनाने वाला बन जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से फिंगर से स्टार्ट कर दिया और इसको जब हटाएंगे तो हमारी पत्तियां तैयार है। आप चाहें तो फिंगर से भी इस पे पत्तियां बना सकते हो, आप चाहें तो इस पे बर्ड से भी बना सकते हो, लेडी फिंगर से भी बना सकते हो, किसी भी और भी पौधे से भी बना सकते हो। मेरे पास गुलाब का पौधा है तो मैंने गुलाब के पौधे की पत्ती ली। ये देखिए रैंडमली आप कहीं भी पत्तियां बना सकते हो क्योंकि पत्तियां पूरे एग्जैक्ट सेम में तो नहीं उगेगी, पौधे में तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें किस तरह से लगा रहे हैं, हम भी टेढ़ी मेढ़ी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम कुछ पत्तियां लगा देंगे तो बस हो गई ये पेंटिंग तैयार। है ना मजेदार, कितनी जल्दी जल्दी हमने कितनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सी पेंटिंग बना ली है और कितनी सारी पेंटिंग्स बना चुके हैं अभी तक। ये देखिए ये हमारी पेंटिंग खत्म। बस हमारी पेंटिंग हो गई तैयार। आप चाहें तो इसपे और भी फ्लावर्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इसपे और भी पत्ते लगा सकते हैं, आप चाहें तो बर्ड से जो हमने डिजाइन बनाए थे और लेडी फिंगर से जो डिजाइन बनाए थे सब फ्लावर्स को मिक्स करके एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप पेंटिंग किस तरह से बनाओगे। ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी एक सुंदर सा हम पॉप बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैं पेपर अपने बोर्ड पे सेट कर लेती हूँ। ये मेरा पेपर तैयार। तो इसके लिए हमें पेंसिल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पेंटिंग करेंगे। पहले एक पटाटो ले लेते हैं, उसको एग्जैक्टली ऐसे वर्टिकल काट लेते हैं ऐसे। देखो ये पटाटो है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा है मोटा हिस्सा और ये ऊंचा और इसको ऐसे काटने वाली हूँ। तो ये मैंने काट लिया। अब इस पे मैं लगा दूंगी भूरा रंग। थोड़ा सा भूरा, थोड़ा थोड़ा भूरा लगाया मैंने और फिर ब्लू कलर क्योंकि इससे बनेगी हमारे पीकॉक की बॉडी। तो इस पे मैंने ब्लू कलर कर लिया है। आप केवल ब्लू कलर भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा ब्राउन मिक्स किया है, केवल ब्लू कलर से भी कर सकते हो। तो पिकॉक का कलर बहुत सुंदर आएगा, ये देखते हैं कैसा कलर आने वाला है। तो ये पेपर के नीचे हिस्से,
यहाँ पे हम इसको ठीक से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पीकॉक की हो गई बॉडी तैयार। सेम कलर से क्या करेंगे, वो छोटा सा आलू था, ये जो छोटा आलू हमने फ्लावर के लिए गोल काटा था, यही आलू ले लीजिए और सेम कलर लगाएंगे जो हमने इसकी बॉडी के लिए लगाया है। सेम हम ब्लू कलर लगाएंगे और इसके बॉडी के ऊपर फेस की तरह ऐसे स्टैम्प कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पीकॉक की बॉडी तैयार। अब क्या करेंगे, इसको सूखने देंगे, बाद में इस पे आएंगे, उसके विंग्स बना लेते हैं। तो मैंने पटाटो को पानी में डाल दिया है। अब पैलेट लेंगे और सबसे पहले ग्रीन कलर लेंगे। और अगर आपको चाहिए तो क्या कीजिए, पेंसिल से ऐसे इसके ऊपर इंद्रधनुष की तरह ऐसे गोल गोल रेनबो की तरह चार लाइंस बना लीजिए। ठीक है, चार लाइंस बना लीजिए। सबसे पहले ग्रीन कलर में अपनी फिंगर डिप करेंगे और पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं मेरे कलर को थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ, काफी पतला हो गया है। अगर थोड़ा गाढ़ा करेंगे तो पेंटिंग और अच्छी आएगी। सो लेट मी मिक्स मोर कलर। उसमें थोड़ा पानी भी गया और पतला हो गया है। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रीन कलर। सबसे पहले ग्रीन कलर हाथ का पकड़ लीजिए मेरे साथ और फिंगर, ये फिंगर, और इस तरह से हम सबसे आउटर वाले साइड में सबसे पहले इस तरह से स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए। ट्रस्ट मी, जब पिकॉक बन के तैयार होगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। अगर आप किसी को दिखाएंगे तो यकीन भी नहीं होगा कि अरे इतने छोटे बच्चे ने बना लिया या आपने इतनी सुंदर पेंटिंग बना ली। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर रेनबो की शेप में सबसे आउटर वाले लाइन पे, जो हमने चार लाइन खींची थी, सबसे आउटर वाले लाइन पे उसके ऊपर मैं स्टैम्प कर रही हूँ। तो ये इस तरह से ध्यान देंगे कि ये लाइन ऐसी सीधी खींची की तरह दिखे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन पे भी ग्रीन कलर कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर में करें, तो सबसे पहले ग्रीन। सबसे जरूरी इस पे है कि हम कलर कैसे चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रीन लेंगे क्योंकि ये मोर पंख मोस्टली नीला ग्रीन ऐसा ही दिखता है। तो ग्रीन ले लिया हमने। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है। ये इस तरह इसी लाइन पे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, सेम लाइन मेंटेन करेंगे। और फिर थर्ड लाइन, ये देखिए लग रहा है ना पीकॉक का शेप। ये देखो फिर लास्ट इस पे हम आ गए। ये पीकॉक से पूरा टच नहीं होना है, थोड़ा दूर रखना है क्योंकि पीकॉक के भी उसके ऊपर की कभी भी बनाएंगे हम पीकॉक का बीक बनाएंगे, चोंच, ठीक है, बाद में पीकॉक का पैर बनाएंगे। तो ये हो गया ग्रीन कलर का काम खत्म। अब आप ले लो ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू अब हम लेंगे थोड़ा ब्लू कलर। मेरा ब्लू कलर भी पहले से खत्म हो गया, थोड़ा मैं ब्लू कलर डाल लूं। अगर आपका भी कलर खत्म हो गया तो आप इसी बीच ब्लू कलर भी डाल लीजिए। तो ये मैंने ब्लू कलर डाल दिया। Thank you.
ब्लू कलर जब हम करेंगे, ध्यान दीजिए कि हम वो ग्रीन के पूरा ऊपर न करें, थोड़ा आधा छोड़ के करें, जैसे कि एक ग्रीन है तो उसके आधे हिस्से पे हम ब्लू करें। अब जैसे उस पे हमने बड़ी बड़ी फिंगर की थोड़ा बड़ा बड़ा किया था, अब थोड़ा छोटा बस स्टैम्प करना है। देखिए जितना भी हमने ग्रीन किया था ऐसे नीचे वाले हिस्से पे, ऊपर ग्रीन दिखेगा और नीचे ब्लू। देखो ये ग्रीन है, यहाँ पे नीचे तरफ जो हमने ग्रीन स्टैम्प किया था उसके नीचे तरफ आधे में हम ब्लू कर लेंगे। तो ग्रीन के ऊपर ही आधे में, तो अपनी उंगली को अभी बस स्टैम्प कीजिए, उसको बिल्कुल भी ड्रैग मत कीजिए, तो बहुत सुंदर गोल डिजाइन आएगा। देखो तो जितना हमने ग्रीन किया था अब उसके ऊपर हम ब्लू करते जाएंगे। तो ये आज की हमारी डिजाइन नंबर 8 हुई। इसके बाद के डिजाइन बहुत छोटे छोटे हैं जो कि जल्दी खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। आप चाहें तो पहले हरा रंग को थोड़ी देर सूखने के लिए रख सकते हैं और फिर उस पे नीला रंग कर सकते हैं। ये मैंने नीला रंग कर दिया है और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उतने में हम पिकॉक की चोंच और पैर और कलगी बना लेते हैं, तो उतने देर में ये सूख जाएगा, फिर उसके ऊपर हम दूसरा रंग करेंगे और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। तो उसकी चोंच उसकी कलगी के लिए पहले हमें ब्लैक कलर लेना है। ब्लैक कलर लीजिए, ब्रश लीजिए, पेंट ब्रश, ओके। और ब्लैक कलर से एक यहाँ पर गोल बना दीजिए, इट विल बी इट्स आईज। और बस यहाँ पर छोटी छोटी सी तीन इस तरह से कीजिए, इट विल बी इस कलगी। और उसकी चोंच भी हम रेड से करेंगे, चोंच। तो उसके पहले ब्राउन से उसका पैर बना लेते हैं। ब्राउन कलर लिया मैंने, एक सीधी लाइन खींची और तीन इस तरह से कर दिया। पिकॉक का पैर ब्राउन कलर का होता है, इस तरह से किया मैंने। अब मैं अपने ब्रश को वॉश करके रेड से कलर से उसकी बीक उसका चोंच बनाने वाली हूँ। अगर आप एक साथ देख करके थक रहे हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं वीडियो को। ये देखिए मैंने सुंदर से उसकी चोंच बना ली। अब ब्लू कलर थोड़ा सूख गया होगा, अब हम फिंगर फिर से वॉश करके लेंगे और हम येलो कलर लेंगे। एक काम करते हैं, बर्ड्स ले लेते हैं, आप बर्ड्स ले लीजिए। और येलो कलर अगर सूख गया है तो उस पर थोड़ा पानी डाल दीजिए। येलो कलर तैयार है, येलो कलर लेंगे, बर्ड्स में लीजिए आप क्योंकि फिंगर को और छोटी नहीं कर सकते हैं, बर्ड्स ले लेंगे। बर्ड्स को येलो कलर में डीप करेंगे, या पहले हमने फिर येलो बर्ड्स रखा था फ्लावर बनाने के समय वही ले सकते हैं। और बड़े ध्यान से हमारा हाथ इस पे स्टैम्प ना हो जाए, ये जो हमने नीला रंग किया था उसके नीचे हिस्से में इस तरह से हम अब येलो कलर लगाने चाहिए। देखिए ये अगर आपका पिकॉक का ब्लू कलर नहीं सूखा है तो उसको थोड़ा सूखने दीजिए, और नहीं तो ये ब्लू कलर आपके येलो में आ जाएगा। और इस तरह से हम इसको स्टैम्प करते जाएंगे। ध्यान रखिए कि आप हमारी दूसरी उंगलियां पेंटिंग पे ना लगे,
वरना वो सारे मैच हो जाएंगे, सारे कलर्स हाथ पे लग जाएंगे, वाइट हो सकता है। ये देखिए आ गया ना पिकॉक का लुक, और कितना सुंदर दिख रहा है। और ये होने के साथ साथ हमारी ये पेंटिंग भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए ये हो गया हमारा पिकॉक, थोड़ी ही देर में तैयार। आप इस पे चाहे तो आप गोल्डन कलर कर सकते हैं, आप इस पे चाहे तो पेंट ब्रश से ये जो हमने हरी हरी फिंगर किया उसके बाद और उसकी एक एक पत्ती के पंख भी बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाएंगे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये हमारा पिकॉक हो गया तैयार। ये लास्ट इनसाइड वाली लाइन बची जिसके ऊपर हम इस तरह से येलो खत्म करते ही बहुत सुंदर सा पिकॉक तैयार हो गया, जो देखने में लग रहा है कि पता नहीं कितना मुश्किल है कैसे बनाओ, लेकिन जब हमने बनाया तो ये कितना सरल है। मैं थोड़ा पास करके आपको दिखाती हूँ ये कितने आसान तरीके से हमने पिकॉक बना लिया। ये देखिए है ना खूबसूरत, इसके पंख कितने सुंदर आए हैं, है ना। ठीक है काफी समय हो गया है तो मैं सोचती हूँ कि ये क्लास को अभी यही खत्म करते हैं, बाकी की डिजाइन्स हम नेक्स्ट क्लास पे सीखेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पर बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट डिजाइन्स, बाकी जो डिजाइन्स हमारे रह गए हैं जो हमें प्लान किए थे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।